और इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडी गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायक खरीद फरोख्त कर लोगों को डरा धमकाकर पूरे विपक्ष को डरा रही है। जो झुकने और डरने को तैयार नहीं उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। इनके खिलाफ लड़ाई को बड़ा करने के लिए 31 तारीख को 10 बजे दिल्ली रामलीला मैदान में पूरी दिल्ली इकट्ठा होगी। जो बोलने की जरूरत करेगा जेल के अंदर बंद किया जाएगा। इस देश के अंदर ना तो कोई आंदोलन की गुंजाइश होगी ना बोलने की गुंजाइश होगी। इसलिए इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी महारैली। इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग इस संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे।